अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू अपना शेयर करूँगी, वो 24 गोल्ड इम्प्योर सीरम का क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये कितने का आपको मिल जाएगा, कहाँ से आप लोग परचेज करेंगे, तो सारी डिटेल जो है आप इस वीडियो में हम लोग शेयर करने लगे हैं। तो वीडियो जो है वो आप लोगों को स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, पूरी देखनी है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस ना। जी फ्रेंड, सबसे पहले बात की जाए इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके की कार्डबोर्ड के अंदर ये मिल जाता है। ठीक है, ओपन करने में हमें किस तरीके की बॉटल जो है वो हमें मिल जाती है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने पर हमें इस तरीके की बोतल जो है वो मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर गोल्ड पार्टिकल्स हैं, इस तरह की वाइट बोतल के अंदर आपको मिल जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यानी कि पैकेजिंग है और बोतल भी इसकी आउट क्लास है। ठीक है, इस तरीके के कार्डबोर्ड के अंदर ये आपको मिल जाती है। ठीक है, इसकी भी अगर आप लोग पैकेजिंग देखते हैं तो ये हार्ड बोर्ड के अंदर है और बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि इसकी पैकेजिंग है ब्लैक और गोल्डन कलर के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है वो पैकेजिंग है और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 24 गोल्ड गोल्डन इम्प्योर्स 99.9 प्योर गोल्ड, यानी कि इसके अंदर 99.9 प्योर गोल्ड जो है वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो हमारी स्किन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी स्किन के ऊपर किस तरीके से वर्क करते हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ओपन करने पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से जो ये ओपन हो जाती है और ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी के अंदर जो है वो आपको मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी जो है इसकी बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है। बात की जाए इसकी स्मेल की, तो इसकी स्मेल जो है कोई ख़ास नहीं है, बहुत लाइट सी इसकी स्मेल जो है वो फील होती है, बहुत ज़्यादा हार्श या ऐसी स्मेल नहीं है जो आपके फेस को या आपके माइंड को जो है वो रिफ्रेश ना करे। ठीक है, जो आपके माइंड को जो वो हार्श लगे, इस तरह की इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये आपको 500 के अराउंड जो है इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब जो मेरे पास मौजूद है वो जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल की पहचान किस तरीके से है मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, कि इस तरीके की आप जब लेंगे और अपने हैंड के ऊपर इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये रनी नहीं है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि इस तरीके की थिक कंसिस्टेंसी के अंदर है। अगर ये फेक होता तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी जो है वो लिक्विडी होती थी। ठीक है, तो आप इसको अपनी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर मसाज करेंगे तो ये बहुत ईजीली आपके स्किन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नो चिपचिप कोई आपको जो ये हैवी फील नहीं होगा, आपकी स्किन के अंदर जो है वो आराम से जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये शाइनिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अब आपकी स्किन के ऊपर वर्क किस तरीके से करता है। इसकी थिकनेस आपने देख ली कि ये थिकनेस बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, तो अब इसको कौन से लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। ठीक है, कि तमाम स्किन वाले जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो इवन टोन के अंदर नहीं है तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपकी स्किन जो है वो वाइट होना शुरू हो जाएगी, ब्राइट होना शुरू हो जाएगी इसको यूज़ करने से। ठीक है, ये सीरम जो है वो आपकी क्योंकि जितने भी सीरम होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर जो पेनिट्रेट होके फिर वर्क करते हैं। तो इसका काम क्या है, 24 गोल्ड एम्प्योर सीरम है, ये आपकी स्किन को वाइट करेगा, ब्राइट करेगा। आपकी स्किन के ऊपर अगर एक्नी हो गई है तो ये एक्नी को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स हो गए हैं, ठीक है, अगर लार्ज पोर्स हो गए हैं तो ये उसको भी मिनिमाइज करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन आपके फेस के ऊपर है तो ये उसको भी जो है आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव करेगा। जाहिर सी बात है जब आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो एक दफ़ा के यूज़ करने से तो आपके हाइपर पिगमेंटेशन है या एक्नी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपको रेगुलर जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके कितने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तकरीबन इसको काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ और इसकी हाफ बॉटल जो है आप देख सकते हैं कि इसकी हाफ बॉटल जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ और जो मुझे इसके रिज़ल्ट मिले वो बहुत ही आउट क्लास इसके रिज़ल्ट हैं। यानी कि आपकी स्किन अगर वाइट नहीं है तो आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग लेकर आएगा, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आता है, आपकी स्किन के ऊपर अगर एक्ने मार्क्स वगैरह हो गए हैं तो उनको भी रिड्यूस करने के अंदर हेल्प आउट करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, मिनिमाइज करेगा, आपके फेस के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन से तो इसके ऊपर वर्क करेगा। तो मेरी तरफ से तो टोटली रिकमेंडेड है कि इसको तमाम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बॉय हों, चाहे वो गर्ल्स हों,
ठीक है, तमाम स्किन के ऊपर ये सूट करने वाला है। तो मेरे कहने पर आप इसको एक दफा जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये वर्क करेगा और रिजल्ट आपको इसके बहुत ही ऑसम मिलेंगे। आप 1 वीक इसको यूज करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना जबरदस्त जो है आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आपकी स्किन को ये टाइट भी करता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन जो है वो टाइट नहीं है, लूज होना शुरू हो गई है, तो ये आपकी स्किन को जो है वो टाइट भी करेगा। ठीक है, और मेरी तरफ से बिल्कुल ये रिकमेंडेड है। लेकिन इसकी एक बाजू मुझे यानी कि थोड़ी सी फील होती है कि आप इस सीरम को जो है वो मेकअप से पहले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गोल्डन पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जब आप इसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो इसके चंक जो है आपको नज़र आ रहे होते हैं। जब आप बेस अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे इस सीरम को मेकअप से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जो है आपकी स्किन जो है वो इस आपको जो फाउंडेशन वगैरह है आपकी स्किन के ऊपर वो स्मूथ नहीं लगेगी। ठीक है, और फ्लॉलेस नहीं बनेगी। तो आप इसको जो है मेकअप से पहले अप्लाई मत कीजिए। वैसे आप इसको नाइट के अंदर अप्लाई करके जो है इसको सो सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप इसको वॉश कर लीजिए, कुछ दिन में बहुत रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मेकअप से पहले इसको अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मेकअप से पहले आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फाउंडेशन है जो आप बेस बना रहे हैं वो परफेक्ट नहीं बन सकेगी, फ्लॉलेस नहीं बन सकेगी। ठीक है, ये तो थी एक छोटी सी वीडियो 24 गोल्ड सीरम के बारे में कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे इसका रिजल्ट जो है वो किस तरीके का मिला। वो सब बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि ये कितने की मिल जाएगी, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको किस तरीके से ये बेनिफिट्स देता है। तो मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है कि आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, चाइनीज़ में सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है हम उसको जो है वो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे भी सारा कुछ जो है वो चाइनीज़ के अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स मुझे मिले वो मैंने आप लोगों के साथ जो है उसको शेयर किया कि मुझे इसके बेनिफिट्स जो है वो किस तरीके के मिले। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जो मैंने 24 गोल्डन इम्प्यूल सीरम का जो आप लोगों के साथ रिव्यू दिया है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसको यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने इसको यूज़ किया तो आपको भी इसके क्या बेनिफिट्स मिले। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।